राजीव गांधी का ये 1 रुपए का सिक्का। आज के इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप जरूर अपने कलेक्शन में से इस 1 रुपए के सिक्के को निकाल के देखेंगे और कंपेयर करेंगे वीडियो में आगे दी जाने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ, क्योंकि आज मैं आप सभी को दिखाने वाला हूं और डिटेल में समझाने वाला हूं राजीव गांधी के इस 1 रुपए के स्मारक सिक्के में नजर आने वाले उस बहुत ही रेयर और कीमती वैरायटी के बारे में, जिसे अपनी कलेक्शन में ऐड करने के लिए आज की डेट में आपको सच में कई हजारों रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। तो आज का ये वीडियो सभी व्यूअर्स और कॉइन कलेक्टर्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूँ इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। आप में से मेजॉरिटी व्यूअर्स राजीव गांधी के 1 रुपए के स्मारक सिक्के के बारे में जानते होंगे, क्योंकि ये एक कॉमन कमेमोरेटिव कॉइन है। लेकिन जब एक अच्छा न्यूमिस्मेटिस्ट, एक अच्छा कॉइन कलेक्टर कॉइन्स को डीपली स्टडी, एनालाइज और सॉर्ट करता है, तो उसका रिजल्ट कई बार ये निकल के आता है कि इन कॉमन इश्यूज में से कई रेयर वेराइटीज और म्यूल इश्यूज भी निकल के आते हैं, जिनके बारे में फिर हम सभी जान पाते हैं। तो हमें खुशी है कि चिल्लर ज्ञान के एक ऐसे ही व्यूअर और कॉइन कलेक्टर हैं नाजिर हुसैन, जिन्होंने अपनी कलेक्शन में से राजीव गांधी के 1 रुपए के स्मारक सिक्के में नजर आने वाले इस बहुत ही रेयर वैरायटी की इमेजेस हमारे साथ शेयर की हैं, ताकि इस सिक्के पे डिटेल में हम आप सभी को अच्छे से समझा पाएं। यही नहीं, साथ ही साथ आज के इस वीडियो में हम आप सभी के साथ शेयर करेंगे राजीव गांधी के इन सिक्कों से जुड़े हुए कुछ बहुत ही स्पेशल फैक्ट्स। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। तो बिना किसी देरी के डायरेक्टली स्विच करते हैं राजीव गांधी के इन सिक्कों की कंप्लीट डिटेल्स पे और जानते हैं कि कौन सा है वो रेयर वैरायटी का सिक्का। तो व्यूअर्स, यहां पे आप देख सकते हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री राजीव गांधी की मरण उपरांत उनकी याद में जारी किया गया 1 रुपए का स्मारक सिक्का। ये एक कॉमन सर्कुलेटिंग कॉइन है, आप इस सिक्के को अच्छे से देख सकते हैं। इससे पहले कि हम राजीव गांधी के 1 रुपए के सिक्के की रेयर वैरायटी को समझें और डिस्कस करें, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कॉमन इशू की बेसिक डिटेल्स क्या है, क्योंकि तभी आप दोनों में अच्छे से फर्क कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि ये सिक्का 1991 को जारी नहीं किया गया था, जैसा कि सिक्के में वर्ष 1991 देखने को मिलता है। हर सिक्के में नजर आने वाला साल ज़रूरी नहीं है कि वही डेट ऑफ द इशू ऑफ द कॉइन भी हो। 1944 राजीव गांधी का बर्थ ईयर है और 1991 राजीव गांधी का डेथ ईयर, जो कि आपको सिक्के में देखने को मिलता है। लेकिन ये सिक्के उनकी याद में जारी किए गए 25 दिसंबर 1992 को, यानी कि ईयर ऑफ द इशू ऑफ द कॉइन 1992 है। डेट के बाद नजर आने वाले इन दो डॉट्स को आप मिंट मार्क से कंफ्यूज ना करें, ये कोलन्स हैं। मिंट मार्क आपको इसके बाद नजर आता है। राजीव गांधी के ये सिक्के जारी किए गए केवल बॉम्बे और हैदराबाद मिंट से। यहां आप देख सकते हैं डायमंड मिंट मार्क, यानी कि बॉम्बे मिंट से जारी किया गया सिक्का है। यहां आप देख सकते हैं स्टार मिंट मार्क, यानी कि ये हैदराबाद मिंट से जारी किया गया सिक्का है। सिक्के के रिवर्स साइड में नजर आता है आपको राजीव गांधी का पोर्ट्रेट फेसिंग लेफ्ट, और पोर्ट्रेट के लेफ्ट और राइट में नजर आता है हिंदी और इंग्लिश लेजेंड राजीव गांधी। सिक्के का जो ओवर साइड है वो 1 रुपए के रेगुलर कमेमोरेटिव कॉइन जैसा है, जिसमें आपको टॉप में नजर आता है अशोक स्तंभ, जिसके नीचे है सत्यमेव जयते और जिसके नीचे है डिनोमिनेशन ऑफ द कॉइन 1। लेफ्ट में नजर आएगा हिंदी लेजेंड भारत रुपया और राइट में इंग्लिश लेजेंड इंडिया रुपी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको इन सिक्कों पर ध्यान देने वाली है वो है इस सिक्के के ओवर्स और रिवर्स साइड में नजर आने वाला रिम डिजाइन। आप इसे अच्छे से देख लीजिए और इसकी डिटेल्स को एनालाइज कर लीजिए, क्योंकि यही आपको हेल्प करेगा आगे उस राजीव गांधी के 1 रुपए के एक्सट्रीमली रेयर वैरायटी को समझने में। तो व्यूअर्स, फाइनली आप देख सकते हैं स्क्रीन पर उस एक्सट्रीमली रेयर राजीव गांधी के 1 रुपए के सिक्के को। यह सिक्का आप देख पा रहे हैं नाजिर हुसैन की कलेक्शन में से। देखने में यह सिक्का आपको हूबहू पहले दिखाए हुए कॉमन इशू जैसा ही लगेगा, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि गौर करने वाला डिजाइन यहां पे है रिम डिजाइन। सिक्के के रिवर्स साइड को अगर आप देखेंगे
तो आपको टीथ शेप्ड रिम डिजाइन देखने को मिलेगा। राजीव गांधी के कॉमन इशू 1 रुपी कॉइन में भी रिवर्स रिम डिजाइन ऐसा ही होता है। ओवर साइड को अगर आप देखेंगे तो यहां आपको वो फर्क नजर आएगा। इस एक्सट्रीमली रेयर इशू में आपको नजर आएगा टीथ शेप रिम डिजाइन के हर एक टूथ के बीच एक स्ट्रेट लाइन। आप क्लियरली इसे देख सकते हैं। लेकिन कॉमन इशू राजीव गांधी 1 रुपए के सिक्कों में आपको वही सिंपल टीथ शेप रिम डिजाइन ही देखने को मिलेगा विदाउट एनी स्ट्रेट लाइन इन बिटवीन। इस छोटे से लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिम डिजाइन डिफरेंस की वजह से यह सिक्का एक बहुत ही कीमती और रेयर सिक्का है आज की डेट में। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह एक डाई वेराइटी नहीं है बट एक म्यूल कॉइन है। इनफैक्ट यह है रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स में नजर आने वाले सबसे रेयर और वैल्यूएबल म्यूल कॉइन्स में से एक। कितनी ज्यादा है इसकी वैल्यू ये तो हमेशा की तरह हम डिस्कस करेंगे वीडियो के आखिर में, लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि ये म्यूल कॉइन आखिर कैसे बना। जैसा कि मैंने पहले भी आप सभी को अपने पुराने म्यूल कॉइन्स के वीडियोस में समझाया था कि म्यूल कॉइन्स सेम ईयर में इशू होने वाले या फिर 1-2 साल के डिफरेंस में इशू होने वाले 2 डिफरेंट कॉइन्स के कॉम्बिनेशन से ही अधिकतर देखने को मिलते हैं, क्योंकि ऐसे सिक्कों की कंकरेंट मिंटिंग होने की वजह से इनके एक दूसरे के डाइज एक्सचेंज होने की प्रोबेबिलिटी बनती है। ऐसे ही राजीव गांधी के इस एक्सट्रीमली रेयर 1 रुपए के म्यूल कॉइन में भी ओवर्स डाई किसी दूसरे स्मारक सिक्के का स्ट्राइक हुआ है। तो वो सिक्का है ईयर 1991 में 37th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस थीम का ये 1 रुपए का स्मारक सिक्का। आप सभी अच्छे से इस सिक्के के ओवर साइड के रिम डिजाइन को देख सकते हैं। ये एग्जैक्टली वही रिम डिजाइन है जिसमें हर एक टूथ के बीच में स्ट्रेट लाइन है, जो कि आपको राजीव गांधी के इस म्यूल कॉइन में भी देखने को मिल रहा है। तो इस बात से आपको प्रॉपर क्लैरिटी मिल गई होगी कि ये म्यूल कॉइन कैसे बना। 37th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस थीम के इन सिक्कों पे हम डिटेल में एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने बताया है कि इस थीम में कौन कौन से बहुत ही रेयर सिक्के आपको देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो को जरूर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। राजीव गांधी के इन सिक्कों की फिजिकल स्पेसिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो इसका मेटल कॉम्पोजिशन है कॉपर निकल, इसका शेप है सर्कुलर, स्टैंडर्ड वेट की अगर हम बात करें तो वो है 6 ग्राम्स, स्टैंडर्ड डायमीटर है 26 mm, और जो एज इन सिक्कों में नजर आता है वो है रीडिड एज। राजीव गांधी के ये सिक्के नजर आए VIP सेट्स और UNC सेट्स कलेक्टर्स पैक में। इन सेट्स में देखने को मिले राजीव गांधी के 1 रुपए के स्मारक सिक्कों के 2-2 पीसेस। ये सेट्स बुकिंग के लिए मिंट्स द्वारा कभी भी जारी नहीं किए गए। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नोट करने वाली ये है कि ये उन कुछ गिने चुने स्मारक सिक्कों में से एक है जिनमें हायर डिनोमिनेशन के स्मारक सिक्के जारी नहीं किए गए। तो ये हुई राजीव गांधी के स्मारक सिक्कों की कंप्लीट जानकारी। आई होप इस डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन से आप ये समझने में समर्थ हो गए होंगे कि राजीव गांधी के कॉमन सिक्के और एक्सट्रीमली रेयर म्यूल कॉइन में कैसे अंतर करें और म्यूल कॉइन को कैसे रिम डिजाइन से पहचानें। तो व्यूअर्स, कैसा लगा आपको रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स का ये बहुत ही रेयर म्यूल कॉइन? क्या आपको पहले से राजीव गांधी के इस एक्सट्रीमली रेयर म्यूल कॉइन और इसकी आइडेंटिफिकेशन के बारे में पता था, या आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको पहली बार इस सिक्के के बारे में जानने को मिला? आप अपने व्यूज और रिएक्शंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन बाकी सभी व्यूअर्स के लिए भी हेल्पफुल हो। और आप में से जो व्यूअर्स चाहते हैं इंडियन कॉइन्स पे शॉर्ट और क्विक इन्फॉर्मेशन विद इंग्लिश सबटाइटल्स, तो वो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं हमारा दूसरा न्यूमिस्मेटिक चैनल हेड्स एंड टेल्स। अब आते हैं वीडियो के उस सेगमेंट में जहां हम डिस्कस करते हैं सिक्कों के करंट एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि राजीव गांधी के ये जो सिक्के हैं ये जारी किए गए थे बॉम्बे और हैदराबाद मिंट से। बॉम्बे मिंट से जारी किए गए ये 1 रुपए के सिक्के कॉमन कैटेगरी में आते हैं और ये नॉर्मल रोटेशन में मिल जाते हैं। UNC कंडीशन में इस सिक्के का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 20-30 रुपए के बीच। हैदराबाद मिंट के जो सिक्के हैं वो थोड़े से कम देखने को मिलते हैं, इसलिए स्केर्स कैटेगरी में आते हैं। UNC कंडीशन में उनका एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 50 रुपए के करीब। तो फाइनली बात करते हैं राजीव गांधी के इस एक्सट्रीमली रेयर 1 रुपी म्यूल कॉइन के एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस के बारे में। तो जिस कंडीशन में ये सिक्का है
इस कंडीशन में ही इस सिक्के का आज की डेट में अप्रोक्सीमेट प्राइस है लगभग 20 से 25,000 रुपए के बीच। और लकीली अगर यह सिक्का यूएनसी कंडीशन में है तो इसका प्राइस काफी ज्यादा हाई जा सकता है। तो इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि म्यूल कॉइन्स की कैटेगरी में ये म्यूल कॉइन कितना रेयर म्यूल कॉइन है आज की डेट में। तो ये हुई राजीव गांधी के इन सिक्कों की कंप्लीट प्राइस डिटेल्स। तो ओवरऑल कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो? क्या आप में से भी कोई ऐसा व्यूअर है जिसकी कलेक्शन में राजीव गांधी का ये एक्सट्रीमली रेयर म्यूल कॉइन है? तो वो जरूर हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर पहले से हैं तो बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको मिलते रहें चैनल रिलेटेड अपडेट्स जल्द से जल्द। मैं जल्दी अपलोड करूंगा अपना नेक्स्ट चिलर वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड टू चिलर ज्ञान। टिल देन जय हिंद।